इतना मैं चाहूँ तुझे, इतना मैं चाहूँ तुझे। आपने उस लड़की को क्यों और किन हालतों में मारा? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। क्या वो सच है या मेरी नींद की गोलियों का असर है? दोस्तों, 1 फरवरी 2002 में बॉलीवुड की फिल्म राज रिलीज हुई थी। यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। आपके प्यार में हम संवरने लगे। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी, जो अपने नए कॉन्सेप्ट की वजह से खूब चर्चा में रही। आज की वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार बातें लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। जो भी कसमें खाई थी हमने, दिन वो बड़े हसीन थे, क्या तुम्हें याद है? इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया था। फिल्म के मुख्य कलाकार में विपाशा बसु, डीनो मोरिया, मालिनी शर्मा, आशुतोष राणा सहित कई बड़े सितारे शामिल थे। कितना प्यारा है ये चेहरा। इस फिल्म को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिले थे, जिसका सीधा फायदा फिल्म को हुआ। फिल्म उस साल ब्लॉकबस्टर हुई। होती थी रोज मुलाकातें। बता दे, यह साल 2002 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म की कुल लागत करीब 5.25 करोड़ रुपए थी, लेकिन पूरे भारत में फिल्म ने 21.4 करोड़ रुपए की शानदार कलेक्शन किया था। कितने तेरे करीब था, मैं तो तेरा नसीब था। वर्तमान के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन 123 करोड़ रुपए बनता है। इस फिल्म के लीड हीरो डीनो मोरिया जरूर थे, लेकिन फिल्म में विपाशा की दमदार एक्टिंग सभी को बेहद पसंद आई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि सचमुच कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है। क्या चाहती हो तुम? Who the bloody hell are you? वो गन मुझे मिल गई है जिससे तुमने किसी मासूम की हत्या की थी। क्योंकि आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं, मासूम और बेबस लड़कियों को पकड़ के लाते हैं। बता दे, अजनबी के बाद विपाशा बसु की दूसरी बॉलीवुड फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके लिए विपाशा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, मुझसे पर्दा करो। साथ में फिल्म ने उस साल कई अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इस फिल्म का संगीत उस साल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। बता दे, फिल्म का संगीत लोकप्रिय संगीतकार नदीम सरवन ने किया था। फिल्म के सभी गाने उस साल हिट हुए। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इस फिल्म के बाद में 3 सीक्वल भी बनाए थे, जिनमें से साल 2012 में रिलीज हुई राज 3 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई।